हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जगत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे T20 मुकाबले की। आइए आज हम आपको ड्रीम इलेवन की टीम बता देते हैं, जो मुकाबला अब से 7 घंटे 21 मिनट बाद है। आइए दोस्तों, अब हम एक टीम क्रिएट करते हैं और देखते हैं आज के मैच में किस किस खिलाड़ी को हमें मौका देना चाहिए ड्रीम इलेवन में। दोस्तों, अभी मैं फ्री वाली एंट्री में आपको क्रिएट करके बताऊंगा किस प्रकार से आपको टीम बनानी है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें विकेट कीपर बल्लेबाज लेना है। जॉस बटलर ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी, जिन्होंने कि 44 रन बनाए थे। तो बेस्ट रो इतना बेस्ट नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने 8 ही रन बनाए थे, इसीलिए हम जॉस बटलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक ही विकेट कीपर हम अभी चूज़ करते हैं। दूसरा हम बैट्समैन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें डेविड वार्नर, इयन मॉर्गन, एरन फिंच, स्मिथ, मेलन, काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं। दोस्तों, बात करें हम डेविड वार्नर की, डेविड वार्नर ने पिछले मैच में 58 रन बनाए थे, जो कि उन्होंने 47 गेंदों का सामना करके बनाए थे। साथ ही फिंच की बात करते हैं, फिंच ने 46 रन बनाए थे 32 गेंदों का सामना करके। तो इसीलिए हम इन दोनों बल्लेबाजों को छांटना पड़ेगा। स्मिथ ने पिछले मैच में 18 रन बनाए थे 11 बॉलों का सामना करके, हम इन्हें भी सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी टीम में। और ऑलराउंडर में आते हैं दोस्तों, ऑलराउंडर में सबसे पहले हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल का पिछले मैच में मैक्सवेल ने 50 कुछ तो नहीं कर पाए थे, पर मैक्सवेल एक अच्छे विकल्प होंगे ऑलराउंडर के तौर पर, इसीलिए हम मैक्सवेल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और मार्क स्टोनिस, जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी और काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी लास्ट ओवर में, इन्होंने 18 गेंदों पर 23 रन बनाए थे, तो हम इन्हें भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अब्दुल रसीद, और यहाँ से हम सैम कार्टनर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। पिछले मैच में इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर पे 2 विकेट लिए थे, और अब्दुल रसीद जिन्होंने 4 ओवर पे 2 विकेट लिए थे, और पैट कमिंस ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी और बैटिंग भी अच्छी की थी। इसके अलावा केन रिचर्डसन भी अच्छे बॉलर हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। ये देखिए, टीम हमारी पूरी हो चुकी है। अब एक बार टीम का रिव्यू देख लेते हैं हम किस प्रकार की हमारी टीम है। ये देखिए दोस्तों, और टीम को कंटिन्यू कर देते हैं। और डेविड वार्नर को तो मैं कप्तान बनाऊंगा, और मार्क स्टोनिस को वाइस कैप्टन। आप अपने हिसाब से वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हैं, बट टीम यही रखिएगा क्योंकि इस टीम के जीतने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। सेव कर लीजिएगा, टीम सेव कर लेनी है और ज्वाइन कॉन्टेस्ट में जाकर टीम को सेव कर लेना।